गणेश उत्सव बस एक दिन दूर है और राज्य सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में गत सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पीओपी गणेश प्रतिमाओं को लेकर अपनी नीति पेश की, जिसमें मूर्तिकारों, गणेशोत्सव मंडलों, नगर निगमों और आम नागरिकों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस गणेश की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति फिलहाल अस्थायी है और अगले कुछ महीनों में एक स्थायी नीति तैयार की जाएगी। पीओपी की मूर्तियों को लेकर नागपुर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई है। नीति को न्यायमूर्ति A.S. चंद्रकर और उर्मिला जोशी फाल्के के समक्ष सुनवाई में पेश किया गया। राज्य सरकार की नीति के अनुसार गणेशोत्सव मंडलों को केवल स्थानीय प्रशासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त मूर्तिकारों से ही मूर्तियां खरीदनी चाहिए। परियोजना के लिए नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। आपको उसके लिए अपनी प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मूर्तियों की ऊंचाई यथासंभव कम रखनी चाहिए। ये मूर्ति भी पूर्णतः प्राकृतिक होनी चाहिए। मंडप में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल पर प्रतिबंध है और पूजा में इस्तेमाल होने वाली निर्माल्य का उचित तरीके से निपटारा कर दिया जाना चाहिए। सभी कचरे को नियमों के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही भक्तों के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।